हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में अभी हम देखेंगे केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिविजन के लिए टॉपिक, वो एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम के लिए। बहुत कम दिन बचा है और इस टाइम कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका सबसे मेन खेल है उसका मोल का। उस चैप्टर में सब कुछ मोल पे ही डिपेंड है, इसलिए मोल का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। लिमिटिंग रिएजेंट, कंसंट्रेशन टर्म, मोलालिटी, मोलारिटी, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। और फॉर्मूला सीट तो मैं प्रोवाइड करा दी हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का, कंप्लीट क्लास 11th और 12th, उससे आप फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। और क्वेश्चन कहाँ से लगानी है तो नीट का PYQ लगा सकते हैं आप, या फिर आपके पास जो भी क्वेश्चन है, आप जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं वो लगा सकते हैं। फिर है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में जो तीनों लॉ है उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर रियल गैस इक्वेशन, वैन डर वाल गैस इक्वेशन। अब बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की। आयनिक इक्विलिब्रियम में मेन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं हमेशा, और ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, इसमें बस कैलकुलेशन का खेल है, इसलिए आप इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। 10 भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 10 टाइप का क्वेश्चन, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर है साल्ट हाइड्रोलाइसिस। साल्ट हाइड्रोलाइसिस पे जनरली फार्मूला बेस्ड आता है, बस आपको अच्छे से फार्मूला याद होना चाहिए। वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, इसका pH निकालने का क्या फार्मूला है, तो ये सब फार्मूला मैं प्रोवाइड करा दूँगी, वो आप याद कर लें और वैसा क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस कर लें। फिर है केमिकल इक्विलिब्रियम, KP और KC का रिलेशन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, KP और KC का जो रिलेशन पे जो क्वेश्चन है वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है ली चैट्रियल प्रिंसिपल। ली चैट्रियल प्रिंसिपल्स पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। अगर मोल ऐड करेंगे किसी में, प्रेशर चेंज करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसमें आपको सॉल्व करने वाला नहीं आएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन ली चैट्रियल प्रिंसिपल पे बनता है। फिर बात करते हैं थर्मोडाइनमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में। इंथैल्पी का जो भी फार्मूला है, इंट्रोपी का जो भी फार्मूला है, वो अच्छे से याद करके क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल, ये क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन में बन सकता है। फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड कंबसन गिव्स फ्री एनर्जी, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ये सब का एग्जांपल याद कर लें। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होता है, फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सिंपल टॉपिक है, इसमें मेन अगर कोई क्वेश्चन बनता भी है तो इसमें बैलेंस से क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आसान ही है। रिवीजन करने का इसमें यही टॉपिक है, बैलेंस वाला, 2-3 बैलेंस करके देख ले कोई भी मेथड से, तो आपसे बैलेंस हो गया तो समझिए कि आपका बैलेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें यहाँ तक क्लास 11th का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, और इतना 11th में कर लेंगे तो अच्छा खासा आपका स्कोर हो जाएगा 11th में, अगर क्वेश्चन आते हैं तो। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट में 12th का। डिफेक्ट, जितना भी डिफेक्ट है उसका आपको डेफिनेशन और एग्जांपल पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। डेंसिटी फार्मूला पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक ही तो फार्मूला है, उस पर आप 2-3 क्वेश्चन लगा लें। फिर यूनिट सेल, यूनिट सेल में क्या करना है, एक टेबल मैंने दी हूँ, ये 3 आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पैकिंग फ्रैक्शन, जेड और रेडियस, सबका कितना कितना है। फिर बात करते हैं सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4-5 जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और रॉड लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये 3 पे आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। फिर बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का जो एक फॉर्मूला है टेम्परेचर के टर्म है, वो फॉर्मूला पे क्वेश्चन प्रैक्टिस।
बस, और ग्राफ वगैरह थोड़ा बहुत देख ले, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, इस पे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर ले। ऑर्डर ऐसे दो तीन रेट दिया रहेगा, उसमें ऑर्डर निकालना रहेगा इस तरह से। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेन है फैराडे लॉ, फैराडे का जो दो दो लॉ है उसका फॉर्मूला, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर गैल्वेनिक सेल पे क्वेश्चन बनता है। फिर आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 11th का पोर्शन छूट गया था, 11th का ही ये चैप्टर है लेकिन उधर छूट गया था, मैं इसलिए यहाँ लिखती हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में रिलेशन, ये तो आपको याद करना ही करना है, रेडियस एनर्जी बोल, ये मैं फिजिक्स में भी बोली थी और यहाँ भी बोल रही हूँ। अगर आप एक जगह भी उस पर रिलेशन याद करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स में भी काम आ जाएगा, केमिस्ट्री में भी। फिर है बोर मॉडल, और अब बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री में तो ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक जो ग्राफ है वो आप अच्छे से याद कर ले, समझ ले, और फिर टेबल याद कर ले। एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट किसको जेल बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं, एक टेबल दिया होगा जिसमें वो वाला टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि वो एग्जाम्पल में पूछ सकता है। और फिर इमल्सन का टाइप, स्पेशली उस टेबल में इमल्सन का टाइप जो है वो पढ़ना है। यहाँ तक कंप्लीट हमारा 11th 12th फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया। ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक में तो नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। फिर जीओसी में क्या पढ़ना है, जीओसी में एसिडिक बेसिक कंसेप्ट, और आप जीओसी में अगर आप पूरा पढ़े रहेंगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा क्योंकि जीओसी एक दूसरे से लिंक है बहुत टॉपिक, इसलिए जीओसी में तो आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर ही ले। फिर अगर टाइम नहीं है उतना तो आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है जीओसी तो। फिर नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। और फिर बायोकेमिस्ट्री में बात करें तो बायोकेमिस्ट्री पॉलीमर केमिस्ट्री में भी रहना है, ये तीन चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है। ये तीन चैप्टर को आप थोरली एक बार पूरा चैप्टर रिवीजन कर ले और सबका एग्जांपल अच्छे से याद कर ले, इतना काफ़ी हो जाएगा केमिस्ट्री का तैयारी। फिर बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में आपको जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई ऐसा पार्टिकुलर एरिया नहीं है कि इसी से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला नहीं है। जैसे ये पॉलीमर केमिस्ट्री ने भी डिले, बायो केमिस्ट्री जैसे आप उसमें थोरोली रिविजन करना, वैसे ही वो भी चैप्टर है बहुत, तो आप उसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं मन है तो आप उसको छोड़ सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं छोड़ने का, अगर आप इतना सब कुछ कर लिए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिकल हो गया है, इनऑर्गेनिक हो गया है, तो आप इनऑर्गेनिक का रिस्क ले सकते हैं। और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मैं कोई अपडेट लेके आऊँ तो पता चल जाए आप लोगों को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.